सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो में एक माइक्रो मिनी स्कर्ट और ब्रा पहने लड़की की वीडियो वायरल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लड़की 19 साल की है, जिसका नाम रिदम चनाना है। वायरल मेट्रो गर्ल के नाम से जानी जाने वाली ये लड़की सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना कर रही है। दरअसल कुछ दिन पहले NCM इंडिया काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स के नाम से जाने जाने वाले एक ट्विटर हैंडल ने एक लड़की का वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद वो ट्रेंड करने लगी। वीडियो में दिल्ली मेट्रो में एक कोच के अंदर दूसरी महिला यात्रियों के बगल में एक लड़की को बैठे देखा जा सकता है। वायरल होने के बाद से ही लगातार लड़की के अजीबोगरीब ड्रेसिंग सेंस पर एक लंबी बहस छिड़ गई है, जहां कुछ लोग लड़की को दोषी बता रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो उस व्यक्ति को दोषी ठहरा रहे हैं जिसने उसकी तस्वीर ली है। दिल्ली मेट्रो में इस तरह के कपड़े पहने जाने के दो अलग अलग उदाहरण सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किए गए हैं, जिससे अश्लीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छिड़ गई है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि क्या शुरुआत से ही ये लड़की इसी तरह से कपड़े पहनती है? क्या ये लड़की हमेशा से ही इसी तरह की वेशभूषा को फॉलो करती है? ऐसे में इस वायरल मेट्रो गर्ल उर्फ रिदम के ही इंस्टाग्राम ने इसके सारे राज खोल दिए हैं। अभी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो पिक्चर्स देख रहे हैं वो और किसी के नहीं बल्कि इस वायरल मेट्रो गर्ल रिदम के ही हैं। आप साफ देख सकते हैं कि पहले ये वायरल मेट्रो गर्ल कैसे कपड़े पहना करती थी और अब कैसे कपड़े पहनती है। इस पिक्चर में रिदम ने पंजाबी कोटी और सूट पहना हुआ है, साथ में मांग टीका भी लगाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अब इस पिक्चर में रिदम ने लाल रंग का सूट पहना हुआ है और साथ में अपने सर को भी ढका हुआ है। खैर, वायरल मेट्रो गर्ल के इस रूप को देखकर मुझे पता है आप भी काफी शॉक्ड हो गए होंगे। तो आप भी इस वायरल मेट्रो गर्ल के इस पुराने अंदाज पर, जो बेसिकली हमने अभी अभी देखा है, उस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर।